नमस्कार दोस्तों, मैं हूं थल्लनायक और मैं वापस आ गया अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि ये मैं था करीब 3 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और नियोन मैन की ही तरह मैंने भी माँ बाप के सपोर्ट से ये चैनल चलाया और उनका रिएक्शन था पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, लेकिन नहीं, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। 2 साल रगड़ के पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन के साथ हमने चेई निकाली और काउंसलिंग राउंड में मुझे क्या मिला, NIT भोपाल। यस, हम तैयार थे घर से इतना दूर जाने के लिए, मगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था। और एग्जाम के दिन हम एक बिल्ली का हिला रहे थे और टेस्ट फेल, हमें लाइसेंस नहीं मिला। तो सर पे 2 किलो झाट लेके और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके हम रवाना हुए मुंबई से भोपाल वाया इंडिगो एयरलाइंस। वहां से निकले आके थोड़ा हम पहुंचे होटल, जहां पर के आराम से ली सेल्फी ली सेल्फी ली सेल्फी। आगे निकले पहुंचे रिश्तेदार के घर, जहां पे भी पहुंच के ली हमने सेल्फी ली सेल्फी ली सेल्फी। घूमे थोड़ा भोपाल, गए दरिया के नहा, जहां पहुंच के भी हमने ली सेल्फी ली सेल्फी ली सेल्फी। मिले बिछड़े दोस्त थे थोड़े हम बीमार, तो आया मिलने होटल वो फिर सेल्फी ली सेल्फी ली। रात को गए हम फिर बापू की कुटिया में खाना खाने, जहां खाते हुए सेल्फी नहीं ली नहीं ली नहीं ली। आगे फिर गए कॉलेज, ले ली हमने एडमिशन, फिर गए हॉस्टल जहां पे जाके हमने भाग गए वहां से हम और आ गए वापस मुंबई। खाया रगड़ा समोसा दबा के, कहां पे दोस्तों से मिलके गिर गिर जैसी शक्ल बना के, स्पेशल राउंड का फॉर्म भर के हमको मिला बोलो क्या SVNIT। अब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली और हॉस्टल अलॉटमेंट वाले दिन उल्टी कर दी। हालत खराब होने के बावजूद अगले दिन मैं कॉलेज अटेंड किया, जहां पर एक से एक कमाल टीचर्स आए, पर किसने क्या पढ़ाया मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आया। एनीवेज, मुझे वहां मिला मेरा पहला दोस्त दीपक मीणा, जो कि पेपर गंदा गया और कुछ नहीं पढ़ा के अलावा कुछ नहीं बोलता। अबे साले। और कॉलेज खत्म करके वर्कशॉप में मजदूरी करके हम गए गेट के बाहर कुछ सामान खरीदने, और वापस आते आते मैं वापस बीमार पड़ गया। इस बीच मुझे मिला एक और दोस्त हिमांशु, सर नेम नहीं मालूम, वो भी आगे चल के कुछ नहीं आता और एडिडास पूमा के फ्री जूते मिल रहे हैं जैसी फालतू बातें करने लगा। क्यों मर गया? कोई को मत बोला ना। मेरे घर पे चलो। चलो। एनीवेज, मैं कहाँ था? हाँ, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मेरा रूममेट डर गया कि मैं मर गया तो इल्जाम किस पे आएगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बट उसने काफी मदद की मेरी और उसके बाद मैं आधी रात को मुंबई वापस गया पापा के साथ। और आगे की कहानी आई बटन पे सुनिए, लेकिन पहले ये वीडियो देखो। तो करीब 21 दिन बीमार एडमिट रिकवरी खेलते खेलते मैं वापस आया अपने कॉलेज। आते ही मैं सबसे पहले गया कॉलेज नहीं लैब, वो भी कंप्यूटर की, जहां पर मुझे सब समझ में आ रहा था क्योंकि रिकवरी फेज में मैं पढ़ाई करके आया था। उस दौरान हमको मिले वही पुराने दोस्त जिनके तीसरे दोस्त बन चुके थे और उनके साथ मैं मिलजुल नहीं पाया। लैब से वापस आने पर मैं अपने कमरे में गया, और क्योंकि उस दिन फ्राइडे था तो मेरा रूमी भी घर चला गया था और मेरे कबर्ड के अंदर के सभी कपड़ों पर फंगस लग गई थी। पता नहीं क्यों, पर जिंदगी में पहली बार घर के बाहर रहते हुए मुझे इतना अकेला सा लग रहा था कि मैं रो पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने मम्मी को कॉल लगा के कह दिया कि यार मैं नहीं रह रहा यहाँ पे। मैंने बस कुछ भी बहाना लगा दिया और मैंने कहा कि मैं नहीं रह रहा, और मैंने पहली ट्रेन पकड़ी और मैं घर वापस चला गया। एक कहानी तब तक टिपिकल बॉलीवुड नहीं लगती जब तक उसमें सच ना हो, और मेरी कहानी में ज़रूरत से ज़्यादा है। तुम सोच रहे होगे कि वीडियो खट्टे होना अचानक से चेंज कैसे हो गया, पर क्या करें, जो हुआ वही तो पता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए इतना ही है यार, मिलते हैं। तो एक मिनट, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, ऐसे कैसे भेज दूँ? प्रोफेसर इंटरनल में काट नहीं देगा। तो आगे ऐसा हुआ खाने। मैस का टाइम हो गया, अगली बार मिलेंगे तो डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।